पर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से है, जहां गौशाला शेड से लेकर बाहर मशीन द्वारा खोदे गए गड्ढे में पड़ी है मृत्यु गायों की लाश, जो कि गौशाला के अंदर प्रवेश करते ही बदबू होती है। क्या इन मृत गौवंशों का मेडिकल होगा या फिर गड्ढों में फेंक कर विभागीय अधिकारी मस्ती में डूब रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी अंबेडकर नगर विभाग के अधिकारियों व विभाग द्वारा बूटों तले कुचलने में नहीं छोड़ा जा रहा कोई कौर कसर। मामला जिला मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर स्थित सिसबा गौशाला में गायों की दुर्दशा का मंजर देखने पर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मीडिया पड़ताल के दौरान जो कि सामने आया, आखिर जिम्मेदार अधिकारी व प्रधान कब तक गौवंश का हक पर डाका डालते रहेंगे। गौशालाओं में हरा चारा देखने को ही नहीं है, सिर्फ कुछ ही मात्रा में सूखा भूसा रख कर वाह वाह ही लूटी जा रही है। पानी के नाम पर गंदा पानी और चिलचिलाती धूप में पानी इतना गर्म हो गया कि अगर उसको जानवर पिएंगे तो उनका मरना तय है। गौशालाओं में मरने वाली गायों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन गायों की दुर्दशा का जिम्मेदार जिला स्तरीय अधिकारी नहीं है तो मुख्यमंत्री जी इनका जिम्मेदार कौन है। मीडिया कर्मियों के द्वारा खबर प्रकाशित करने से अधिकारियों को जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो पानी में गाय डाली गई है, फेंकी गई है मरी गाय, कितना दिन होगा? एक हफ्ता हुआ, कितना हुआ? चार दिन से पड़ी है, बताओ पानी में फेंक दिए हो तुम। ये जानकारी प्रधान को है कि नहीं है? प्रधान जी को जानकारी है? पानी मतलब अब जैसे नाइट वाले फेंका था हमारे सब दिन में बाटी। वो नाइट वाले फेंके हैं? हमारे सब दिन दिन में है। प्रधान प्रधान वहाँ देखने जाते हैं नहीं जाते हैं? आवाज हमने चेक करा था भाई, वहाँ जाते हैं कहीं लौट जाते हैं? नहीं देखा था ना। आवाज क्या देखते हैं फिर बताइए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।